देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, ए बी सी सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस, अ सब्सक्राइबर 4,000 मोर देन द बी एंड बी 5,000 मोर देन द सी, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 35,000 ए रिसीव्स, मतलब ए का जो कितना शेयर है ये हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट सी जो है सी इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि सी जब सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है एक्स, तो यहाँ पर बी जो है वो हो जाएगा एक्स प्लस 5,000 एंड ए जो है वो हो जाएगा एक्स प्लस 5,000 प्लस 4,000 ज्यादा है, बी से बी का 5,000 प्लस 4,000, सो टोटल यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 9,000। सो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स प्लस 9,000 इज इक्वल टू जो टोटल इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो तीनों को ऐड कर देंगे, सो इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000। सो 50,000 अब एक्स को हम ऐड कर देते हो 5,000 एंड 9,000 को एक्स कर दे, सो एक्स प्लस 5,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 14,000 इज इक्वल टू 50,000, यहाँ पे 3x आ जाएगा x प्लस x प्लस x, सो 3x इज इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 36,000, सो x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाय जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा निकल के आता है 12,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए का जो कितना शेयर है वो फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पर ए शेयर इज इक्वल टू 35,000, इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पर 12,000 हो जाएगा, यहाँ पर बी जो है उसका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 12,000 प्लस 5,000, सो बी का रेशियो रहेगा 17,000 एंड सी जो है हो जाएगा 12,000 प्लस 9,000 इज इक्वल 21,000। यहाँ पर 3 0 से 3 0 काट देते हैं, सो यहाँ पर हमें ए का शेयर फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाय हम 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड 50, सो ए का जो शेयर है वो यहाँ पर हमारा निकल के आता है 14,700। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।